वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन जागदी जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। महाराजियां ने बेअंत अपार कृपा कीती है, जो सानू संगत दियां घड़ियां बख्शियां हन। आप सरबत संगतां अपने अमुलक सवास हजूर दी निघी गोद विच बतीत कर रहे हो। आओ साध संगत जी, जिस तरह धन धन जागदी जोत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, हजूर बाबा बकाला साहिब जियां दी धरती ते सज बैठे हन। संगतां हजूर दे दर्शन करके निहाल हो रहियां हन। छाती विच ठंड पई जांदी है हजूर दे दर्शन करदियां ही, अग्ञान नास हो रहा है। महाराज जी कृपा कर रहे हन। तलंग राग विच जिस तरह हजूर दा साध संगत जी शब्द आ रहा है, संगतां सज बैठियां हन। आओ आपां भी अपने सुरते बाबा बकाला साहिब जियां दी धरती ते लै के चलीए। हजूर दे दीवान विच सज बैठे हाँ, हजूर दे चरणा कमलां दा ध्यान धर के आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। तिलंग महला नावा, तिलंग राग विच महला नावा। धन धन जागदी जोत साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज, मेरां दे घर विच आए हन। संगतां हजूर दे चेहरे वल ही तकी जांदियां हन, हजूर मुख तो कुछ फरमाउण ते हजूर कृपा कर रहे हन। हर जस रे मना गाए लै, महाराज जी फरमाउंदे हन हर जस रे मना गाए लै। हजूर सिद्धा मन तों उपदेश दिंदे हन, ते जिन्हां दे अंदर साध संगत जी तांग जाग जांदी है। जिस तरह पिछे हजूर ने शब्द आया सी, जाग ले हो रे मना जाग ले हो, महाराज जिया ने आख्या सी अपने मन नू जगा। ते जिन्हां ने शब्द हजूर दा मन ते ढालिया, जदों मन जागया हजूर की करना चाहीदा है। हजूर आप कहिंदे हो नाम जपया कर, नाम जपे दा की लाभ है। महाराज जी कहिंदे हन हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो। महाराज जी कहिंदे हन देख ए तेरा संगी है नाम, जिथे तेनू कोई नहीं सहारा देगा। भाव जे तेरे पास माया भी नाश हो जावेगी, रिश्तेदार भी जे तेनू छड़ जानगे, ए तेरा नाम हर थां तेरे नाल सहाई होवेगा। अवसर बीतो जात है, महाराज जी फरमाउंदे हन देख तू हर रोज सोचदा है, कल तो मैं आरंभ करूंगा नाम जपना, अमृत वेले उठिया करूंगा, आ शुभ काम मैं कल तो शुरू करांगा। पर महाराज जी कहिंदे हन कल किने वेखिया है, ए अवसर जो तेनु ए मौका मिलिया है बीतदा जा रहा है। कहियो मान लै मेरो, महाराज जी कहिंदे हन ए तू साडा किया होया बचन गुरसिखा मान लै। हजूर आप कृपा करो साडे ते इसे तरह आरंभ तो ही। हर जस रे मना गाए लै, महाराज जी फरमाउंदे हन हरी दा जस मना गाला। जो संगी है तेरो, जो तेरा संगी असली साथी है। अवसर बीतो जात है, साध संगत जी दिन चढ़दा है, बंदा उठदा है कमां कारां ते जांदा है, रात पै जांदी है। कदे साध संगत जी मन विच नहीं बंदा सोचदा कि देख मना सारा दिन व्यर्थ लंघ गया है, ए धंधे करदा मेरा दिन लंघ गया है, मैं सारा दिन कईयां नू कौड़ा बोलिया हाँ, कितों पैसे मिले ने किते दे के आया हाँ, इन्ने काम किते ने पर ए तां व्यर्थ दे ने, कदे बंदे ने दिमाग विच ही नहीं सोचिया। महाराज जी कहिंदे हन देख अवसर बीतो जात है, ए जिहड़े दिन है ए संगिया। महाराज जी कहिंदे हन सवास सवास घटदे जा रहे हन। इसे तरह साध संगत जी, जिस तरह धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज,
जिस तरह साध संग जी हु हजूर फरमाउंदे हन कि जेड़ी तेरी ए उमरा रूपी जो दिन है ये जो तेनू मनुखा देही मिली है ये 84 लाख जूना तो बाद भोग भोग के मिली है, देख अवसर बीतो जात है, तेरा ए जो देही मिली ये भी नंघ दी जा रही है। जिस तरह साध संग जी हजूर करतारपुर साहब जिया की धरती ते धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज जिस समय हजूर उथों दियां संगतां दे विच बराजे हुए हन, हजूर उथे भाग ला रहे हन, जिस समय साध संग जी हजूर दे पास दासा भट एक आया करदा है गुरसिख महाराज जिया दा, हजूर दे उसने नाल नाल रहा करना, जिवें जिवें हजूर ने जिथे जिथे जाना करतारपुर साहब विखे वह नाल नाल रहा करे। एक दिन साध संग जी हजूर दी समाधि जिस तरह लीन हो गए हजूर ते दासा भट भी नाल ही महाराज जियां दे खड़ा रहा। जिस समय हजूर एकदम समाधि तो उथान होए हजूर मुस्कराए हन धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज ते दासा भट पुछदा है हजूर आप मुस्कराए क्यों हो महाराज। अचानक ही उस समय हजूर ने जिस तरह किया सी दासा भट वो चिड़ी की बोल रही है सामने तो उस समय दासा भट हाथ जोड़ के निम्रता नाल कहिंदा है महाराज जी असी दुनियावी जीव हाँ सानू हजूर इन्हां दी भाषा कित्थे आउंदी है, आप महाराज जी आप सारियां ही भाषा जानदे हो समस्तुल जुबाह है महाराज जी आप कृपा करके दसो। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਾਸਾ ਭੱਟ ਇਹ ਚਿੜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾਸਾ ਭੱਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਲ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਦਿਸਣ ਮਾਤਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿੱਦੋ ਥਾਵੋ ਹਮ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਭਾਵ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੈ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਸਾ ਭੱਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਏ ਔਗਣ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਾ ਨਾਸਤਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ
केते पशु उपाए दासा पट जिस तरह हजूर ने सीस ते हाथ रखिया उस समय हजूर दे ज्ञान हो गया। हजूर ने पुछया दासा पट दस फिर की वेख्या है। कहिंदा है केते रुख बिरख हम चीने महाराज जी कई जूना विच मैं रुख बनिया हाँ भाव खुशक रुख जिन्हां नूं फल वी नहीं लगदे किते बिरख बनिया हाँ फलां दे समेत भरिया महाराज जी ऐसा मैं देखिया है। हजूर कहिंदे हन होर की देखिया है महाराज जी केते पशु उपाए कई मैं पशुआं दियां जूनां विचों हजूर हो के आया हाँ साध संगत जी 84 लख तां जूनां हां हन पर इन्हां दे विच किन्नी वरी आया है ये अलग विशा है। इस तरह फिर अगे हजूर नूं केते नाग कुली मह आए केते पंख उडाए। कहिंदा है हजूर कई वरी मैं नागां दियां कुलियां जिस तरह 8 के 9 मन्नियां जांदियां हन अते कहिंदा है कई वरां महाराज जी मैं पंछी बन के आया हाँ ये हजूर मैं अपने नेत्रां नाल वेखिया है। हट पटन बिज मंदर भन्ने कर चोरी घर आवै महाराज जी कहिंदे हन फिर दासा पट होर की वेखिया है। कहिंदा है महाराज जी मैं मनुखा देही विच भी कई वरां आया हाँ पर हजूर उन्हां विचों भी मैं चोरियां करदा रहा हाँ घर दे विच समान ही ढोंदा रहा हाँ मेरा घर बड़ा सोहना है उन्दे विच सोहनिया सोहनिया चीजा जोड़ियां ने महाराज जी इसे विच ही उम्र बतीत कर दिती। अगहो देखै पिछो देखै तुझते कहा छपावै महाराज जी मैं जिस समय चोरी करदा सा अगे भी देखदा सा अगो भी डर हुंदा सी पिछे भी देखदा सा कोई देखता नहीं रहा पर हजूर ताडे तो की लुका है। इसे तरह हजूर आप ता अगले जन्म भी मेरे देख रहे हो पिछले भी मेरे आप जिया ने देखे हन महाराज जी आप कृपा करो मेरे ते कृपा करो हजूर उस समय हजूर मैं किवें तर सकदा हाँ क्योंकि पिछले जन्म भी महाराज जी इसे तरह कनेडा च पक्के हुंदे ही लंघ गए मेरे घर बनाउंदे महाराज जी धौले आ गए हन मुख ते घर दे विच समान ढोंदिया ढोंदिया मैं चाहुंदा हाँ एक बड़ी सोहनी चीज मेरे घरे होनिया चाहीदियां हन सारियां आप कृपा करो महाराज जी। धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज ये जन्म विच तां मैं जाग जावां। उस समय हजूर ने कहा सी हथ जोड़ के अरदास करिया कर जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे महाराज जी जिन्ना समुंदर दे विच नीर भरिया होया है जिन्ना जल है समुंदर विच उस तो भी कई ज्यादे मेरे विच औगण हन महाराज जी आप कृपा करो दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे हजूर आप जिया ने पत्थर तार छड़े हन मैं ता महाराज जी आप जिया दी फिर भी संगत विच आप मेनू कृपा करके लै आए हो आप जी हुण हजूर साडे ते दया करो जियड़ा अगन बराबर तप है पीतर वगै काती हजूर इन्हां विषयां दे विच मेरे छाती विच साड़ पैंदा रहिंदा है जदों मैं किसे दी चढ़ाई देखदा हाँ हजूर जदों किसे नूं दुख पहुँचदा है मैं उन्दे दुख दे विच चाहीदा तां सी दया आउणी चाहीदी पर महाराज जी मैं खुश हुंदा हाँ देख के जदों महाराज जी ऐसी मेरी हालत है अंदर हजूर छुरियां वज रहियां हन महाराज जी कहिंदे हन प्रणवत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती तू उस काल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म नूं मन्निया कर। साध संगत जी जदों बंदा हुक्म मन लैंदा है फिर उस नूं दुख सुख नहीं पाउंदा दुख आउंदा है तां कहिंदे हन गुरमुख महाराज जी कोई वड्डा दुख आउणा होणा है कोई वड्डे पाप कीते होणे हन जो छोटे जे करके आप जी कट रहे हो जे सुख आउंदा है उह बहुते खुश नहीं हुंदे नचदे टपदे नहीं। कहिंदे हन महाराज जी कोई चंगा कर्म कीता होना है जो आप जिया ने सुख दिते हन महाराज जिया दा हुक्म पछानना ही साध संगत जी रात दिन सुख उपज जावेगा। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज फरमाउंदे हन अवसर बीतियो जात है कहियो मान लै मेरो देख किन्ने साल हो गए हन अपनी उम्र तू जानदा ही है ये नहीं पता कि तू बुजुर्ग होके ही तू चढ़ाई करना है हुणे भी तू कल भी जा सकदा है। महाराज जी कहिंदे हन कि हुणे हुणे जो तेरे पास समय है ये ना सोच कल तो शुरू होवांगा हुण तो ही शुरू हो जा अखीरले समय होए जपया होया नाम तेरे मथे ते प्रगट के गवाही दवेगा रंब तो ही।
हर जस रे मना गाए लै। महाराज जी कहिंदे हन देख रहन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए, भाव जो रात सी ओ ता सारी बंदा सो के बतीत कर लैंदा है, ते जदों दिन चढ़दा है इधर उधर कम्मा धंधिया विच खा के गवा लैंदा है। महाराज जी कहिंदे हन हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, ये जो हीरियां तो भी महंगा जो तेनू जन्म मिलिया सी मनुखा कौड़ियां दे पा भाव तुछ दुनियावी चीजां करके बंदा गवा लैंदा है। इसे तरह साध संगत जी जे देखिया जावे रहण दी न्याई, भाव रात बचपना खेडन विच निकल जांदा है, रात जिस तरह काली हुंदी है जवानी दी उम्र मुख ते काले केस हुंदे हन, दाढ़ा काला प्रकाश हुंदा है। महाराज जी कहिंदे हन रहण गवाई खाए कै भाव महसोए कै, वाहिगुरु जड़ी तेरी जवानी सी ओ विशियां विकारां विच सो के तू कढ दित्ती, भाव कहिंदा है देखिया ही नहीं किसे नूं बंदे नूं, बंदा ही नहीं जानदा शरीर च एडा बल हुंदा है, कहिंदा है मेरे बरोबर कौन खड़ सकदा है। महाराज जी कहिंदे हन दिवस गवाया खाए, भाव जदों दिन चढ़ गया दिन चढ़े तो भाव चिट्टा हुंदा है, मुख ते दाढ़ा चिट्टा आ जांदा है, उदों फिर साध संगत जी दवाइयां खा खा के जां इहो जिहियां चीजां बना बना के खांदा है, कहिंदा है इह चीज़ खाण नाल शरीर च मैं जवान बन जावांगा, पर किथे जवान बनिया जांदा किथे चौंकड़े लगदे ने फिर ते मुख चों भी वाहिगुरू नहीं निकलदा। महाराज जी कहिंदे हन हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, इन्हां कौडियां च ही खजा दिता, इसे तरह रहण गवाई सोए कै भाव जदों तक ज्ञान नहीं सी भाव महाराज जियां दी संगत विच नहीं आया कुछ पता नहीं सी, उदों तिकर तां जानो बंदा सुता ही पिया सी कुछ पता नहीं, ते दिवस गवाया खाए भाव जदों ज्ञान नूं चानण दी न्याई किया जांदा है, जदों दिन चढ़ गया भाव थोड़े पाठ कर ले जां साध संगत जी ज्ञान हो गया, कहिंदा है मैनू सब पता है मैनू तां पहला ही पता है जो कही जांदे ने, भाव इन्ना अहंकार सिर ते चक लिया। महाराज जी कहिंदे हन दिवस गवाया खाए भावे अहंकार वगैरा ही खांदा रहा, कहिंदा मैं बड़ा ज्ञानी हाँ मैनू तां पहला ही सब पता जो ये कही जांदे हन सब ज्ञान है। महाराज जी कहिंदे हन ऐसा अहंकार, कहिंदा है मैं इन्नियां पुस्तकां पढ़ियां ने सब पता है। महाराज जी कहिंदे हन देख ये हीरे वर्गा जन्म सी कौड़ी बदले तू गवा लिया है, जो संगी है तेरो। महाराज जी कहिंदे हन देख जो संगी है तेरो, ये नाम तेरा संगी है। साध संगत जी फिर ऐसे संगी कई होंदे हन, कहिंदे हन कि अगला जग कितने किन्ने देखिया है, आ जग मिठा अगला कहिंदा डिठा खाओ पियो ऐश करो, पर महाराज जी कहिंदे हन अंधे कह राहे दस्या अंधा होए सो जाए, भाव जदों कोई अन्ना राह दसदा है किसे नूं भाव जिस तरह जिक्र आउंदा है कोई अन्ने नूं पुछे कि राह किथे ओ तां आ पन्ना ओ किवें दसेगा, महाराज जी कहिंदे हन होए सो जाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए, जिहड़े नेत्रां दे सहत हन भाव जिन्हां ने हजूर दी कथा सुनी है बैठ के प्रेम ते शरदा दे नेत्रां दे नाल, मन विच फुरना ही नहीं उठिया कि जे ये 84 लाख जूना दियां गल करदे हन जे मेरी समझ विच नहीं पैंदियां ये जूना, ये हजूर कहिंदे हन मना ये होणगियां, हजूर अगे अरदास करिया करिए महाराज जी मैनू ये नाम भी जपना नहीं आउंदा, पर आप कहिंदे हो नाम जपे नाल सब सुख मिलदे हन, नाम जपण नाल दरगाह विच ढोई मिलदी है, पर हजूर अखां दे अगे अंधेरा है, पर जदों आप किरपा करोगे असी महाराज जी नाम जपन लग जावांगे। महाराज जी कहिंदे हन अंधे ए ना आखिया जिन मुख लोयण नाहे, महाराज जी कहिंदे हन ओ नहीं अन्ने आखे जांदे जिन्हां दे नेत्र नहीं भाव पिछे जोत नहीं जां अखां ते नेत्र नहीं हैगे, अन्ने से ही नानका खसमों कुथे जाए। महाराज जी कहिंदे हन जो वाहिगुरु तों भाव धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी हजूरी विच ही नहीं आउंदे, कहिंदे हन सानू सब पता है, ते जां फिर महाराज जी कहिंदे हन जो वाहिगुरु ने भला छड्डे हन ओ अन्ने हो रहे हन, इन्हां दा संग नहीं करना चाहीदा। अवसर बीते ओ जात है। महाराज जी कहिंदे हन देख हजे भी कुछ नहीं बिगड़िया, जिस तरह जे खूह दे विचों घड़े नाल पानी कढ दित्ता जा कढ़िया जावे, जे
मुठ को भाव गिठ को वाहेगुरु जे हाथ विच रस्सी रह जावे तामी आपा पानी कढ सकते हाँ ते जे रस्सी ही खूह विच डिग पी फिर पानी कढ़न दी उम्मीद नहीं रहिंदी। महाराज जी कहिंदे हन हजे भी थोड़ी जी लज्जा भाव रस्सी तेरे हाथ विच है। कहियो मान लै मेरो। महाराज जी कहिंदे हन साडा कया मान ला ते नाम जपया कर रहाओ विश्राम दे के धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज मेरा दे घर विच आए हन सानू पापियां नू ब्रह्म ज्ञान दा उपदेश दे के निहाल कर रहे हन गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी संपत रथ तन राज सियो। महाराज जी फरमाउंदे हन देख तू मोह किथे लाया है हजूर किथे मोह लगा है तानू पता है। कहिंदे हन हजूर सानू पता है संपत रथ उस समय रथ हुंदे सी जिस तरह अजकल गड्डियां हन धन पैसा राज कहिंदा है मेरी चढ़ाई है। महाराज जी कहिंदे हन संपत रथ धन राज सियो अत नेह लगायो। महाराज जी कहिंदे हन अतशय करके बड़ा ही तू इन्हां नाल प्रेम लगाया होया है क्योंकि जदों माया जांदी है तां साध संगत जी बंदा भाव इथों तिकर सुनूं मिलदा है कि हार्ट अटैक आ जांदे हन जदों माया कोलों जांदी है क्योंकि मोह इहदे विच लगा है पर जदों साध संगत जी आप माया कोलों चले जांदा है फिर पता ही नहीं लगदा माया तां पुछदी भी नहीं तू कित्थों आया सी कौन है। महाराज जी कहिंदे हन संपत रथ धन राज सियो अत नेहो लगायो बड़ा अत तेनू माया जोड़ के बड़ा खुश हुंदा है मेरे खाते विच इन्ने पैसे हन काल फास जब गल परी। महाराज जी फरमाउंदे हन काल दी फाही जदों तेरे गल विच आ के पवेगी जदों तेरा अंतला समा आ जावेगा इन्हां ही अखां नाल तू वेखेगा सब पयो परायो। महाराज जी फरमाउंदे हन सब पराया हो जाएगा ये जिंदे ते तू माण करदा है मेरा धन है मेरियां कोठियां ने मेरी इन्नी प्रॉपर्टी है तेरे पुत्रां ने आपस विच लड़ लड़ के तेरे मरे होए दे गूठे भी लवा लैणगे। महाराज जी कहिंदे हन तू अपने इन्हां नेत्रां नाल ही देखेगा कि सब पराया हो जाएगा एक सकिंट दे विच जदों तेरे प्राण इस शरीर तों न्यारे हो गए काढ़ो काढ़ो होई भाव घर दे विचों तेनू ऐ कहणगे कढ़ दो हुणे दा तन जिहड़ा है ओह हुण मुश्क मारदा है जान बूझ कै बावरे। महाराज जी कहिंदे हन देखो जिस तरह साध संगत जी एक उपचार न चल है राजन मित्र सबै मृत नीर बहेंगे। महाराज जी कहिंदे हन देख तू जे कहेंगा कि मैनू थोड़ी जी नाल प्रॉपर्टी लै जावां पर महाराज जी कहिंदे हन तेरा जोर नहीं हो चलना ना फड़ के लै जाना ही तेनू। महाराज जी कहिंदे हन जिहड़े तेरे मित्र ने जिन्हां ते तू माण करदा है अखां तो गलेडू वहाउण ते भाव हंजू वहाउण तो सिवा उन्हां पास भी कोई उपचार नहीं रहना पुत्र कलत्र सभै तुमरे नृप छूटत प्राण मसाण कहै है। महाराज जी कहिंदे हन जिहड़े तेरे पुत्र ने जां कलत्र इस्त्री है जिहड़ा तू कहिंदा है मेरे साहां विच साह लैंदे ने जे तू किते गलती नाल भी उन्हां नूं घर विच बाद चो दिख गया तां फिर साध संगत जी महाराज जी कहिंदे हन मसाण कहिंदे ने भूत कहिंदे ने कहिंदे हन डक्के तोड़ देंदे हन कहिंदे हन जित्तर आया तित्तर गच्छ सी जिधरों आया उधरों चले जा फिर तेरे लिए होर कोई कार्ज कराउंदे फिरदे हन इसे तरह ही जान बूझ कै बावरे। महाराज जी कहिंदे सन तू संगत विच आके जान भी लिया है तां जदों महाराज जीआं दा शब्द सुनिया तू बुझ भी लिया है तै काज बिगाड़ियो पर महाराज जी कहिंदे हन संगत विच आके तेनू पता लग गया सी मनुखा देही नाम जपण नू मिली है तू बुझ भी लिया सी देख अपने मन विच हालत मार के तेनू पता भी लग गया है नाम तो बिना गति नहीं होनी पर महाराज जी कहिंदे हन तै काज बिगाड़ियो तू जान बुझ के देख बंदिया सारा कार्ज तू बिगाड़ लिया है पाप करत सुकच्यो नहीं ते पाप करन वेले तू पूरा भी संकोच नहीं कीता देख जिथे दया करनी सी तू दया नहीं कीती तू ता सको साध संगत जी किसे दा नुकसान हुंदा देख के मन विच खुशी करदा है पाप करत सुकच्यो नहीं किसे दी भाव जदों तेनू जिस समय ठगी मारनी हुंदी है
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਖ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਹਿ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ, ਕਿ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਾ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਤੁਛ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਓਟ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਮੀ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰੋ ਸ਼ਿਮਾ ਸਭ ਦੰਡ ਸਥਾਨ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਤੁਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਵ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਕਰੋ ਸ਼ਿਮਾ ਸਭ ਦੰਡ ਸਥਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੰਡ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਭਲੋ ਧੀਰ ਮਲ, ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਧੀਰ ਮਲ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਬਾਵਰੈ ਤੈ ਕਾਜ ਵਿਗਾਰਿਓ, ਪਾਪ ਕਰਤ ਸੁਖ ਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰਿਓ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਬੁੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ, ਸੋ ਸੁਣ ਰੇ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਪੁਕਾਰ ਕੈ, ਗੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।